ग्वालियर केंद्रीय जेल में तलाशी के दौरान चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू मिली है। इसके बाद दो जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक कैदी को जेल की दीवार के पास से नशे का सामान समेटते पकड़ा गया था। जेल में नशे का सामान बांटे जाने की सूचना मिल रही थी। यह सामान रात में जेल दीवार के पास फेंके जाने की सूचना थी। बुधवार रात इसकी तस्दीक के लिए जेल में दीवार के पास चेकिंग की गई। इस दौरान कैदी इकबाल सामान की बोरी में समेटता पकड़ा गया। कैदी को पकड़कर जब पूछताछ की गई तब उसने दो प्रहरियों दिनेश यादव व मनोज राजौरिया के नाम लिए। इसके बाद प्रहरियों की तलाशी ली गई। दिनेश के पास 7,900 रुपये व मनोज के जूतों में गांजा जैसा सामान व बीड़ी मिली। तलाशी के दौरान 350 ग्राम गांजा भी मिला। कैदी के पास सामान से भरी बोरी भी बरामद की गई। जेल अधीक्षक विदित सवरवैया का कहना है कि जेल में तलाशी के दौरान चरस व गांजा मिला है। प्रहरियों से नकदी व नशे का सामान भी मिला है। प्रहरियों को निलंबित कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। ग्वालियर केंद्रीय जेल में तलाशी के दौरान चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू मिली है। इसके बाद दो जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक कैदी को जेल की दीवार के पास से नशे का सामान समेटते पकड़ा गया था। जेल में नशे का सामान बांटे जाने की सूचना मिल रही थी। यह सामान रात में जेल दीवार के पास फेंके जाने की सूचना थी। बुधवार रात इसकी तस्दीक के लिए जेल में दीवार के पास चेकिंग की गई। इस दौरान कैदी इकबाल सामान की बोरी में समेटता पकड़ा गया। कैदी को पकड़कर जब पूछताछ की गई तब उसने दो प्रहरियों दिनेश यादव व मनोज राजौरिया के नाम लिए। इसके बाद प्रहरियों की तलाशी ली गई। दिनेश के पास 7,900 रुपये व मनोज के जूतों में गांजा जैसा सामान व बीड़ी मिली। तलाशी के दौरान 350 ग्राम गांजा भी मिला। कैदी के पास सामान से भरी बोरी भी बरामद की गई। जेल अधीक्षक विदित सवरवैया का कहना है कि जेल में तलाशी के दौरान चरस व गांजा मिला है। प्रहरियों से नकदी व नशे का सामान भी मिला है। प्रहरियों को निलंबित कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। ग्वालियर केंद्रीय जेल में तलाशी के दौरान चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू मिली है। इसके बाद दो जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक कैदी को जेल की दीवार के पास से नशे का सामान समेटते पकड़ा गया था। जेल में नशे का सामान बांटे जाने की सूचना मिल रही थी। यह सामान रात में जेल दीवार के पास फेंके जाने की सूचना थी। बुधवार रात इसकी तस्दीक के लिए जेल में दीवार के पास चेकिंग की गई। इस दौरान कैदी इकबाल सामान की बोरी में समेटता पकड़ा गया। कैदी को पकड़कर जब पूछताछ की गई तब उसने दो प्रहरियों दिनेश यादव व मनोज राजौरिया के नाम लिए। इसके बाद प्रहरियों की तलाशी ली गई। दिनेश के पास 7,900 रुपये व मनोज के जूतों में गांजा जैसा सामान व बीड़ी मिली। तलाशी के दौरान 350 ग्राम गांजा भी मिला। कैदी के पास सामान से भरी बोरी भी बरामद की गई। जेल अधीक्षक विदित सवरवैया का कहना है कि जेल में तलाशी के दौरान चरस व गांजा मिला है। प्रहरियों से नकदी व नशे का सामान भी मिला है। प्रहरियों को निलंबित कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।